तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी रोके के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इसमें आज का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। अब आगे बात करते हैं जहां पे अबू धाबी T10 लीग मैच नंबर 13 जो कि खेला जाएगा दिल्ली बुल्स और बंगला टाइगर के बीच में। एक साइड जहां पे डीकॉक है तो वहीं दूसरी साइड रॉबिन उथप्पा है। अगर पॉइंट टेबल में बात की जाए तो जहां पे दिल्ली बुल्स 2 नंबर पे है तो वहीं बंगला टाइगर 6 नंबर पे है। अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो अबू धाबी के पिच स्लो स्पिन बॉलर्स को यहां पे बॉलिंग करने में हेल्प मिल सकती है। अगर वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो मौसम थोड़ा क्लाउडी रहने वाला है, ह्यूमिडिटी 60% रहेगा, क्लाउड 20% रहेगा, टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर एवरेज स्कोर की बात की जाए तो जहाँ पे दिल्ली बुल्स का 120 है तो वहीं पे बंगला टाइगर्स का 107 है। अगर लास्ट 5 मैच की बात करें रिसेंटली क्या परफॉर्मेंस था तो दिल्ली बुल्स 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है तो वहीं 2 मैच जीत के आ रही है। वहीं अगर बंगला टाइगर की बात की जाए तो 5 मैच में से 4 मैच हार के आ रही है और 1 मैच जीत के आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दिल्ली बुल्स का टीम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो टीम ने अपने पहले मैच में जबरदस्त 9 विकेट लिए हासिल किए थे। टीम ने एक बड़ा टारगेट चेस किया था, टीम की बैटिंग उसकी इतने थे। लास्ट मैच में टॉप 3 बैटर्स ने ही मैच जितवाया था जहां पे कॉन्टन डिकॉक ने 26 बॉल में 50 रन मारे थे। वहीं जॉनसन चार्ली ने 276 का स्ट्राइक रेट से 13 बॉल में 36 रन बनाए। लास्ट में फिनिशिंग कैप्टन रोवन पॉवेल ने किया था। मिडिल ऑर्डर में टीम के पास जेम्स विंस है, रिली रोसो है, रवि भोपारा है। वहीं ऑलराउंडर DJ ब्रावो टीम के प्लस पॉइंट हो सकते हैं। अगर बॉलिंग टीम की बात करें तो थोड़ी सी वीक दिख रही है, फजल फारूकी ने विकेट नहीं लिया था, रिचार्ड ग्लेशन यहाँ इफेक्टिव हो सकते हैं। फास्ट बॉलर की बात की जाए तो जहाँ पे नवीन उलहक को ब्रेक थ्रू मिल सकता है, DJ ब्रावो टीम के लिए विकेट निकाल सकते हैं। वहीं अगर की प्लेयर की बात की जाए तो क्विंटन डिकॉक है, रोवन पॉवेल है, DJ ब्रावो है। अब आगे बात करते हैं बंगला टाइगर का शॉट एनालिसिस करते हैं। तो टीम अपना पहला मैच हार गई थी लेकिन लास्ट मैच में टीम ने 20 रन से डिकन ग्लेडिएटर्स को हराया। बैकिंग में टीम के हीरो रहे जॉर्डन को जिन्होंने लास्ट मैच में 36 बॉल में 90 रन की धुंधार इनिंग खेली थी। ओपनर अगर क्रिस लिन लास्ट मैच में फ्लॉप थे। मिडिल ऑर्डर में बात करें तो मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है जिसमें से कुशल मेंडिस है, डेविड मिलर है, डैनियल सैम्स है, ये तीनों कभी भी गेम पलट सकते हैं। ऑलराउंडर की बात करें तो कार्लोस ब्रेथवेज है, धनुष सनाका है, मैच फिनिश कर सकते हैं। बॉलिंग की बात करें तो फास्ट बॉलर जोशुआ लिटिल एंड हैदर अली टीम को स्ट्रेंथ देते हैं। डोमिनिक ड्रेक लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, रोहन मुस्तफा यहाँ पे इफेक्टिव हो सकते हैं, डैनियल सैम्स भी टाइम पर ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। अब अगर बात करते हैं चलते हैं की प्लेयर्स देखते हैं, जहाँ पे की प्लेयर्स में हैं डेविड मिलर, जॉर्डन कॉक्स और डैनियल सैम। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, अब चलते हैं आगे विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर दिल्ली बुल्स होंगे क्योंकि दिल्ली बुल्स की टीम काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, यहाँ पे मैच जीत सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।